क्या आप इस बढ़ी हुई तौन से परेशान हैं? क्या आप सचमुच इस तौन से मुक्ति पाना चाहते हैं? क्या आप अपना जो मोटापा है वो घटाना चाहते हैं और शेप में आना चाहते हैं? जब हमारा मोटापा बढ़ने लगता है तो शरीर के सभी अंग बेडोल हो जाते हैं और हम कई बार तो हीन भावना से भी ग्रसित हो जाते हैं। बहुत से लोगों में तो आपने देखा होगा कि उनके चलने फिरने में भी दिक्कत आती है और ऐसी स्थिति में भी वो इसके लिए कोई प्रयास नहीं करते। इसके पीछे एक जो सबसे महत्वपूर्ण कारण है मोटापा बढ़ने का, वो है मानसिक कारण। कई बार हमें पता ही नहीं होता कि हम कितना खाते हैं और क्या खाते हैं। ये हम बेहोशी की हालत में खाते जाते हैं और हम इसको, जो हमारी डाइटरी हैबिट है उसको चेंज करने के लिए कुछ नहीं करते हैं। और हमारी डाइट में एक मुख्य जो स्रोत होता है जो कैलोरीज का, वो आता है जंक फूड से। और ये जंक फूड हमारा मोटापा बढ़ाने में कोई कमी नहीं छोड़ता। इसके विपरीत जो हेल्दी डाइट है, जिसमें हमें जो कैलोरीज लेनी चाहिए और हमारे जो खान पान का एक महत्वपूर्ण ज़्यादातर जो हिस्सा है वो हेल्दी फूड से आना चाहिए, ऐसा नहीं हो पाता। क्रेविंग तो सभी को होती है, परंतु उसको कंट्रोल में रखना होता है। और अगर आप कंट्रोल नहीं कर पाते तो आपको वो कैलोरीज बर्न करने के लिए रेगुलर जिम या एक्सरसाइज ज़रूर जाना चाहिए, परंतु आप जा नहीं पाते। और अगर आप गए भी होंगे तो आप अपने लक्ष्य में सफल नहीं हुए होंगे। बहुत से लोगों के साथ ऐसा ही होता है, मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था। परंतु मैंने जब मोटापा हद से ज़्यादा बढ़ गया था तो मैंने अपना जो वेट था उसको कंट्रोल में करने के लिए बहुत मेहनत की और लंबे समय तक की। मेरे लिए ये लंबा समय इसलिए बोल रहा हूँ कि मैंने मेहनत अपनी तरफ से कोई कमी नहीं छोड़ी और मैंने 100 दिन का जो चैलेंज शुरू किया 13 किलो वज़न कम करने के लिए और बॉडी को शेप में लाने के लिए। और इसके लिए मैंने सूर्य नमस्कार किए। मैंने जो सूर्य नमस्कार किए वो 108 से शुरू किए और 570 प्रतिदिन तक किए। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ, मेरी मेहनत को देखते हुए ये एक लंबा समय था, परंतु अगर आप रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं और उसके बावजूद आपका जो वज़न है घट नहीं रहा है जब से आपका मोटापा बढ़ा है, तो आपको ये अवश्य सोचना चाहिए कि ऐसा क्यों हुआ, आपका वज़न क्यों नहीं घट रहा है, आप अपने लक्ष्य को हासिल करने में क्यों फेल हो रहे हैं, आप योगा या प्राणायाम कर रहे हैं तो उसका आपके शरीर पे कैसा प्रभाव हुआ। हालांकि एक्सरसाइज और योगा का हमारे शरीर पर बहुत ही सकारात्मक प्रभाव पड़ता है, परंतु ज़्यादातर लोगों को आप पाएंगे जिनका वेट एक लिमिट से ज़्यादा बढ़ चुका है, वो उसको रिवर्स करने में कामयाब नहीं हो पाते। और इसलिए जो हल्की फुल्की एक्सरसाइज है या योगा है, उससे आप अपना वज़न कम नहीं कर पाते, क्योंकि न तो आप अपनी डाइटरी जो हैबिट है उसको कंट्रोल कर पाते हैं और न ही हल्की फुल्की एक्सरसाइज से आपका वज़न कम हो पाता है। तो इसको कम करने के लिए क्या करना होगा, हमें दो स्तर पर काम करना होगा, एक तो शारीरिक स्तर पर और दूसरा मानसिक स्तर पर। शारीरिक स्तर से ज़्यादा है मानसिक स्तर। अगर आप मानसिक स्तर पे आप मोटापा घटाने के लिए कुछ नहीं कर रहे तो आप अपना मोटापा घटाने में कामयाब नहीं हो सकते, ये आप मेरी बात गांठ बांध लें। अगर आपको अपना मोटापा घटाना है तो सबसे पहले आपको मानसिक स्तर पे काम करना होगा, क्योंकि आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है उसमें आपको ये विचार स्थापित करना होगा कि आप अपना वज़न कम करना चाहते हैं और इस वज़न को कम करने के लिए आप सार्थक परिणाम चाहते हैं, और उस सार्थक परिणाम को पाने के लिए आप जी तोड़ मेहनत करेंगे, लंबे समय तक करेंगे। और जो आप अपनी डाइटरी और जो एक्सरसाइज जो हैबिट है वो आपके जीवन का हिस्सा होंगी। अगर आपने अपने सबकॉन्शियस माइंड में ऐसा अच्छा विचार स्थापित कर दिया तो फिर आपको वज़न घटाने से कोई नहीं रोकता। रिसर्च में भी पाया गया है कि जब तक आप मानसिक स्तर पे ये विश्वास नहीं कर लेते कि आप मोटापा कम कर सकते हैं, तो आप मोटापा कम नहीं कर पाओगे। जब तक आपका सबकॉन्शियस माइंड इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर लेता कि आप वेट घटाने के लिए सक्षम हैं। और यही कारण है कि लोग अवसाद में यानी डिप्रेशन में पहुंच जाते हैं और बहुत सी हीन भावना से ग्रसित हो जाते हैं। अगर आप जीवन में शांति, सुख, समृद्धि, ऐश्वर्य चाहते हैं, सुंदर सेहत चाहते हैं, हमेशा
अच्छे बने रहना चाहते हैं और शेप में बने रहना चाहते हैं, तो आपको मानसिक स्तर पे बहुत ज़्यादा प्रयास करना पड़ेगा। आपको हर वक्त जब भी आप एक्सरसाइज करते हुए या किसी वक्त आपको क्रेविंग होती है तो आपको अपने मन का ही सहारा लेना पड़ेगा और आपको अपने मन को ये समझाना होगा कि ये जो फैट बढ़ी हुई है कोई पानी का बुलबुला नहीं है जिसको आप हाथ लगाओगे और ये छूमंतर हो जाएगा। इसके लिए आपको कड़ी मेहनत करनी होगी मानसिक स्तर पे और शारीरिक स्तर पे। अब मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि मैंने जो वज़न कम किया था वो मेरी वज़न कम करने की जर्नी इतनी स्मूथ नहीं थी। शुरुआती दौर में तो मुझे एक बार ऐसे लगा, मैंने जब दौड़ना शुरू किया तो मैं 1 किलोमीटर भी दौड़ नहीं पाता था, तो उसके बाद मेरे लिए बहुत ही कठिन समय था। एक बार तो मैं चक्कर खा के गिर भी गया था दौड़ते हुए। उसके बाद मैंने सोचा कि मुझे कोई ना कोई और रास्ता अपनाना होगा और उसके लिए मैंने अपने आप को मानसिक रूप से तो तैयार कर ही रखा था, तो मैंने सूर्य नमस्कार का सहारा लिया और सूर्य नमस्कार का सहारा लेकर मैंने अपने वज़न को घटाना शुरू किया। मैंने पहले 3 दिन में 108 के स्तर पर पहुँच गया, यानी मैंने पहले दिन 36 सूर्य नमस्कार किए, दूसरे दिन 72 सूर्य नमस्कार और तीसरे दिन मैंने 108 सूर्य नमस्कार किए। और ये 108 सूर्य नमस्कार करने में मुझे लगभग 3 घंटे लगे। उसके बाद मैंने प्रतिदिन 1 महीने तक 108 सूर्य नमस्कार किए और 1 महीने के बाद मैंने 256 सूर्य नमस्कार करने शुरू किए। फिर अगले जो 1 महीने में मैंने लगभग 256 या उससे कुछ ज़्यादा सूर्य नमस्कार किए। तीसरे महीने में मैंने उसको बढ़ा के 570 तक ले गया। ये एक बहुत ही ज़्यादा एक्सरसाइज थी, मैं रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप मेरे रास्ते पे चले, परंतु आप एक लंबा गोल रखें। मेरे लिए टाइम कंस्ट्रेंट था और मुझे 3 महीने के अंदर अंदर फिट होना था, इसलिए मैंने इतनी ज़्यादा एक्सरसाइज की और उसका नतीजा था कि मैं केवल 100 दिन में सूर्य नमस्कार के सहारे अपने जो वेट एक्सेस वेट था, जो बड़ी तौन थी, उसको मैंने घटा दी और मैं अपने आइडियल वेट पे पहुंच गया। मैं आपको ये सलाह दूंगा, अगर आप अपना सूर्य नमस्कार से वज़न कम करना चाहते हैं तो आप 4 सूर्य नमस्कार से शुरू कीजिए। पहले दिन आप सीखिए, अगर आपको नहीं आता है तो 12 आसन होते हैं, लेफ़्ट साइड से 12, राइट साइड से, दोनों मिला के एक साइकिल होती है। तो आप 108 सूर्य नमस्कार जब करेंगे तो आप पाएंगे कि आपके शरीर में एक अलग बदलाव शुरू हो गया है। परंतु आप 108 सूर्य नमस्कार तक पहुंचने के लिए डेली 4-4 सूर्य नमस्कार बढ़ाते जाइए, तो इस तरह से आप महीने के अंत तक यानी 27 दिन के बाद अगर बिना ब्रेक के 4-4 बढ़ाते हैं तो आप 108 सूर्य नमस्कार पे पहुंच जाएंगे। जब आप 108 सूर्य नमस्कार करने लगेंगे तो आप पाएंगे कि आप 1350 से 1400 कैलोरीज डेली बर्न कर रहे हैं, तो आप कैलोरी डेफिसिट में अपने आप पहुंच जाएंगे। हो सकता है कि आपकी भूख भी थोड़ी बढ़ने लगे, क्योंकि जब आप सूर्य नमस्कार करेंगे तो आपके शरीर पे सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा, डाइजेशन बढ़ेगी और आपकी खाने की, क्योंकि जब एक्सरसाइज करोगे, इतनी मेहनत करोगे, तो आपकी भूख नेचुरल है कि बढ़ भी सकती है। आप इसकी चिंता किए बगैर आप हेल्दी डाइट, फ्रूट ज़्यादा खाइए, प्रोटीन ज़्यादा खाइए, या पनीर, दाल या और कोई जो चीज़ से जिसके जिन चीज़ों से जो कार्ब्स की आपकी जो रिक्वायरमेंट है, फैट भी जो है आप दूध वगैरह ले सकते हैं। मैंने तो अपनी डाइट में कोई चेंज नहीं किया, परंतु जो मेरा जो खाना है वो बिल्कुल सिंपल होता है, उसमें दाल, रोटी, सब्जी, दही, दूध, सलाद और नट्स वगैरह ये चीज़ होते हैं। और मैंने आज तक कभी भी अपनी डाइट को कंट्रोल नहीं किया, न मैं कभी अब करना चाहता हूँ, न मैंने पहले किया था, इसीलिए मैंने इतनी मेहनत की। जब कोविड के दौरान मेरा वज़न लगभग 13 किलो बढ़ गया था, तो उसको कंट्रोल में आने के लिए मैंने सूर्य नमस्कार इतनी ज़्यादा मात्रा में किए थे। तो इसका ऐसा सकारात्मक और चमत्कारिक प्रभाव था मेरे शरीर पे सूर्य नमस्कार का, कि जो 100 दिन में जो डिजायर्ड रिजल्ट था मैंने वो पा लिया। परंतु इसके लिए मैं आपको एक बार फिर कहूँगा
कि मैं केवल शारीरिक रूप से ही तैयार नहीं था, मैं मानसिक रूप से भी तैयार था। और इसीलिए मैंने ये 100 दिन में अपना जो लक्ष्य हासिल कर लिया। उसके बाद सर्दियाँ आ गई और मैंने कुछ बाहर चला गया था घूमने के लिए। 10-15 दिन बाद आया तो सर्दियाँ बढ़ी हुई थी और फिर मैंने छोड़ दिया और लगभग 8-9 महीने मैंने कोई एक्सरसाइज नहीं की। अब मेरा वज़न थोड़ा सा फिर बढ़ गया है और मैंने दोबारा सूर्य नमस्कार शुरू कर दिया है। इस बार मैं जल्दी, हालांकि कोई ज़्यादा नहीं है, अब लगभग 1 महीने से मैं सूर्य नमस्कार कर रहा हूँ और 3-3.5 किलो आइडियल वेट से ज़्यादा है। वो मैं चाहता तो 10 दिन में भी ख़त्म कर सकता था एक्सेस फैट को, परंतु मैं ऐसा नहीं करना चाहता। अब मैं 108 सूर्य नमस्कार प्रतिदिन करने लगा हूँ और मैंने इसको अपने जीवन का हिस्सा बना लिया है। मैं जीवन पर्यंत 108 सूर्य नमस्कार करता रहूँगा। हफ्ते में मैं 5 दिन अवश्य 108 सूर्य नमस्कार करता हूँ और इसको मैंने अपने डेली के रूटीन में शामिल कर लिया है। तो अगर आप चाहें तो सूर्य नमस्कार एक टेस्टेड एंड ट्राइड टेक्निक है, जिसके सहारे मैंने अपना 13 किलो वज़न कम किया था और वो वज़न कम करके आज मैं बिल्कुल फिट हूँ। और आप भी चाहें तो बिल्कुल फिट हो सकते हैं और मैं आपके लिए शुभकामना करता हूँ कि आप जल्द ही बिल्कुल शेप में होंगे, फिट होंगे। नकारात्मक जो प्रभाव हैं आपके मन पर अपने मोटापे की वजह से, वो जल्दी दूर होंगे। इसलिए आप अपने मन को नियंत्रण में करने की कोशिश कीजिए। बार बार आपके मन को ये विचार भेजिए कि आप अपना वज़न घटाने में सक्षम हैं और आप अपना वज़न घटा के रहेंगे। हर हाल में आप अपना लक्ष्य प्राप्त करेंगे और इसलिए आपको अपने लक्ष्य में सफलता करने के लिए मन के ऊपर काम करना पड़ेगा। जब आप मन के ऊपर काम करेंगे तो शरीर के ऊपर आप काम बिल्कुल आसानी से कर पाएंगे। बहुत से बार ऐसा होगा कि आप लगेगा कि आप अपनी लिमिट पे पहुंच गए हैं, आप इससे ज़्यादा नहीं होता, परंतु आप देखेंगे, आप कोशिश करेंगे तो आप उससे भी ज़्यादा कर सकते हैं। धन्यवाद।